जय हिंद आदाब, मैं हूं शमीम जलाजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। सबसे तेज और ताजा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरिया आजमगढ़ में एडमिशन ओपन, संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। आजमगढ़ से खबर है जहां जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के लाडघाट पुल के पास गाड़ियों की चेकिंग के दौरान जीयनपुर कोतवाली पुलिस स्वाट टीम और सर्विलांस सेल की मदद से पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को एक सफ़ेद सफारी गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध गांजा जिसकी कीमत 12 लाख रुपया बताई गई है, अवैध तमंचा कारतूस और दूसरी चीज़ें बरामद की गई हैं। गिरफ्तार गांजा तस्करों में राहुल पुत्र दुर्विजय निवासी अटौली थाना बड़हलगंज जिला गोरखपुर, अमन तिवारी पुत्र विभीषण तिवारी निवासी शहबाजपुर थाना कासमाबाद जिला गाजीपुर, रूपाली बर्मन पत्नी स्वर्गीय विजय बर्मन निवासनी पलांजी कलांदी हाबी पाट आउदाल गुड़ी आसाम, और रमेला नरजारी पत्नी थर्रियूस नरजारी निवासनी बल्लागान उदाल गुड़ी आसाम के रहने वाले हैं। सभी को आज विभिन्न धाराओं में जेल भेज दिया गया है। मीडिया को संबोधित करते हुए एडिशनल एसपी दिहात ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आज थाना जीयनपुर की पुलिस स्वाट एवं सर्विलांस टीम को भारी मात्रा में गांजे की बरामदगी तथा 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई है। कार्रवाई कुछ इस प्रकार हुई थी कि पुलिस को कतिपय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि गोरखपुर साइड से गांजा जनपद आजमगढ़ में आ रहा है, इस पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तो आज सवेरे करीब 5:15 बजे लाटघाट के पास एक बिना नंबर की सफ़ेद रंग की सफारी आती दिखाई पड़ी। पुलिस द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वो उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए गाड़ी को रोक लिया गया। गाड़ी की जामा तलाशी ली गई और व्यक्तियों की जामा तलाशी ली गई तो गाड़ी में करीब 79.53 kg गांजा बरामद हुआ और 4 व्यक्ति बैठे हुए मिले, जिनके नाम राहुल, अमन तिवारी, राहुल गोरखपुर के रहने वाले हैं, अमन तिवारी गाजीपुर के हैं, और रूपाली बर्मन और रमेला नरजारी दो महिलाएं भी पकड़ी गईं जो आसाम की रहने वाली हैं। राहुल के पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा और चेकिंग की गई गाड़ी से तो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, करीब 167 पैकिंग की पन्नियां और 8100 रुपया, 7 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये असम से गांजा लाते हैं और आजमगढ़ व आसपास के जनपदों में सप्लाई करते हैं। पुलिस द्वारा नियमानुसार NDPS और आर्म्स एक्ट के तहत अभियुक्त पंजीकृत कर अभियुक्त गण को न्यायालय रवाना किया जा रहा है। इस बिंदु पर भी विवेचना की जा रही है कि आजमगढ़ में ये कहां कहां सप्लाई करते थे, उनके विरुद्ध भी छानबीन करते हुए उनके नाम प्रकाश में लाकर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, की किस आधार पर रहती है वर्तमान, इसकी कीमत लगभग 11 या 12 लाख के आसपास पाई जाएगी। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।